आज के वक्त में इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया है दोस्तों। हमें कुछ भी काम करना हो, हमारा कोई भी क्वेश्चन हो, हमें इंटरनेट पे इजीली मिल जाता है। हमारा कोई भी काम हो, हमें कोई वीडियो चाहिए या हमें ऑनलाइन बैंकिंग करना है या ऑनलाइन एजुकेशन भी करना है, तो वो इजीली हमारे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पे हो जाता है। लेकिन ये होता है ऑनलाइन, इसके लिए हमें चाहिए रहता है डाटा। और डाटा जो कि आप लोगों को मिलता है आपकी सिम से, आपकी सिम कोई सी भी हो सकती, जियो की, एयरटेल, आइडिया, डोकोमो, वोडाफोन। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पैकेज हम डलवाते हैं ये 28 दिन का होता है? ये 28 दिन का क्यों होता है? ये 84 डेज का होता है, 24 डेज का होता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि ये सीधा 30 डेज का हो? तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त और बात किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कोई सी भी कंपनी हो, जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, वो हमें 28 दिन का, 84 डेज, 84 दिन का पैकेज इसलिए देती है क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एक बात नोटिस कीजिए, जैसे कि 28 डेज ही लें तो हमारा क्या होगा कि हम ऐसे साल भर में 12 महीने का पैकेज नहीं, हम साल भर में 13 महीने का पैकेज डलवाते हैं, मतलब कि एक टाइम ज़्यादा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एवरेज पैकेज मान लीजिए 199 रुपये, मतलब मेरा 200 रुपये का पैकेज डलता है हर महीने। तो यहाँ पे मुझे 200 रुपये एक साल में ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है कंपनी को, और कंपनी के करोड़ यूज़र्स होते हैं। तो अगर यदि कंपनी हर एक व्यक्ति से 200 रुपये ज़्यादा ले रही है, तो उसका मल्टीप्लाई जब हम सारे उनके यूज़र्स से करेंगे तो ऐसे में कंपनी साल भर में करोड़ों रुपए का मुनाफा ऐसी कर लेती है। कंपनी को करोड़ों रुपए का बेनिफिट हो जाता है दोस्तों, जो कि एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है ये। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, साथ ही मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सा प्लान डलवाते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।